लेट्सटार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एन वी हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन विच इज वन ओवर वन प्लस कॉटेक्स डी एक्स और यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी कॉटेक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई एक ही फंक्शन है इस पर पूरे में तो आपको क्या सोचना है कि हम इसको दो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और कॉटेक्स की वैल्यू हमारी क्या होती है इट इज़ कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स आपने क्या करना है वैल्यू को फ्रैक्शन को सॉल्व करना है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे आप साइन एक्स प्लस एक्स इन डिविजन वी हैव साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स की वैल्यू आपकी न्यूमरेटर में चली जाएगी एंड इट विल बी साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अब आपने यहाँ पे क्या करना है इसको चेंज करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को ऐसे चेंज करना है कि थोड़ा सा डिनोमिनेटर भी यूज़ हो सके तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो टू से ना डिवाइड भी करो और टू से मल्टीप्लाई भी करो ठीक है जी ये भी हो गया एडिंग अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? कि हमारे पास ऊपर जो है न्यूमरेटर उसको ओपन करते हैं थोड़ा सा टू साइन एक्स को आप कैसे लिख सकते हो साइन एक्स प्लस साइन एक्स और एक और चीज़ यहाँ पे हमें ये करनी है कि कॉस एक्स को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इन डिविजन यू हैव टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अब यहाँ पे आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व कैसे होगा वो देखते हैं सबसे पहले आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन डिविजन यू हैव टू टू को एक काम करते हैं बाहर ही ले लेते हैं वन ओवर टू और नीचे हमारे पास क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या बनेगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अब देखो आप वैल्यू आपकी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल वन आ गया हाफ वैल्यू है आपके पास इंटीग्रल वन डी एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हमारे पास दूसरा इंटीग्रल है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन डिविज़न साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स अब हमें क्या करना है साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट करना पड़ेगा कुछ ताकि हम ऊपर वाली वैल्यू पे पहुंच सके क्योंकि अगर कोई रिलेशन ही नहीं आएगा इन दोनों के बीच में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है सॉल्व करने का पहले वाला तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दूं इट इज़ एक्स बाय टू क्योंकि इंटीग्रल ओवर वन क्या होता है एक्स ओनली ठीक है अब हमें लेना है इंटीग्रल ओवर सेकेंड पार्ट इंटीग्रल ओवर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम क्या लेट करेंगे टी और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है इट इज़ कॉस एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसीशन क्या होता है इट इज़ साइन एक्स और डी टी ओवर डी एक्स तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से वो देखो क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू सेम नहीं है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं है तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा और आपके पास क्या बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी न्यूमरेटर में आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इट विल बी माइनस डी टी और नीचे वाली वैल्यू क्या है आपकी t तो ये बन गया आपका माइनस लॉग t प्लस अ कांस्टेंट तो आपके पास पहली वैल्यू क्या आ गई माइनस लॉग t की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस अ कांस्टेंट और पहली वैल्यू हमारी क्या थी इट वॉज हाफ हाफ एक्स तो हमारा कंप्लीट आंसर क्या बनेगा वो लिख देते हैं हाफ एक्स और हाफ इसके साथ भी लगेगा सेकेंड वाली वैल्यू के साथ भी लगेगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ये आपका कंप्लीट आंसर है फॉर थर्टी टू पार्ट अब मूव कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ